सुबह सवेरा बच्चों, तो इसके पहले हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम लोगों के APJ अब्दुल कलाम, उसके बाद मदर टेरेसा, उसके बाद केनो कैसे बनाया जाता है, रक्त चैप्टर। तो आज पढ़ेंगे क्या, व्याकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी बोलते हैं ग्रामर और हिंदी में भी बोलते हैं ग्रामर। तो पहले हम लोग जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं, ग्रामर होता क्या है। ग्रामर उसे कहते हैं जिससे हम शब्द को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं, उसको बोला जाता है ग्रामर। तो ग्रामर में हम लोग आज पढ़ेंगे विलोम शब्द। थोड़ा से कठिन है विलोम शब्द बोलना, अगर मैं उसको आसान करना चाहूँ तो बोलूँगी क्या, उल्टा अर्थ। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा अर्थ वाला शब्द। ठीक है, अगर आप लोगों को समझने में तकलीफ हो रही है कि विलोम शब्द क्यों बोला जाए, उल्टा अर्थ शब्द क्यों ना बोला जाए, उल्टा अर्थ शब्द इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि विलोम शब्द जो होता है उसका सारा जो उल्टा शब्द होता है वो अलग अलग शब्द होते हैं, पर क्या होता है कि उल्टा अर्थ वाला शब्द जो होता है उसका मीनिंग जो होता है वो अलग होता है और लिखावट भी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ जैसे कि दिन, तो दिन का उल्टा शब्द क्या है, बिल्कुल ठीक, रात। अगर मैं बोलूँ आसमान या फिर आकाश, तो आकाश का उल्टा शब्द है क्या, पाताल। ठीक है, तो विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा अर्थ वाला शब्द। विलोम शब्द का मतलब है विलोम शब्द का अर्थ है उस शब्द का या फिर हर शब्द का उल्टा अर्थ वाला शब्द। जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, जैसे कि दिन का है रात, आकाश का है पाताल। ठीक है, वैसे फॉर एग्जाम्पल और है क्या, आय, आय का है व्यय। आय का मतलब आप कितना कमाते हैं, आपका इनकम कितना है। व्यय का मतलब है खर्च, कितना कमाते हैं, जिसको जो कमाते हैं उसको बोलते हैं आय और जो खर्च करते हैं उसको बोलते हैं व्यय। एक है इच्छा, इच्छा का उल्टा अर्थ है अनिच्छा। इच्छा का मतलब है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब आप किस चीज में इच्छा रखते हैं। ठीक है, और अनिच्छा मतलब है आपको जो चीज पसंद नहीं है, नापसंद वाला चीज, उसको बोलते हैं अनिच्छा। उसके बाद है आपका एकता, उसका उल्टा है अनेकता। एकता का मतलब है एकजुट होना, एक साथ होना। अनेकता का मतलब है अलग होके रहना। नेक्स्ट है आपका घृणा, और घृणा का ऑपोजिट है प्रेम। घृणा का मतलब क्या होता है, आप किसी को चाहते नहीं हैं, किसी के साथ आपका पड़ता नहीं है। सपोज कि आपके कुछ दोस्त हैं, उसमें से कुछ दोस्त को आप बहुत चाहते हैं, तो वो होता है आपका प्रेम भाव। और जिसे आप चाहते नहीं हैं उसको हिंदी में बोलते हैं, आप उसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो यहाँ है घृणा, और घृणा का ऑपोजिट या फिर उल्टा अर्थ या फिर विलोम शब्द है प्रेम। उसके बाद आता है सजीव, ठीक है, सजीव किसे बोलते हैं, जिसके अंदर जान हो, जो अपना काम खुद कर सकता हो, खा सकता हो, घूम सकता हो, बोल सकता हो, उस चीज को सजीव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण दे तो इंसान, ठीक है, जानवर,
यहाँ तक कि हम लोग पेड़ को भी सजीव बोलते हैं। क्यों? हालांकि पेड़ एक जगह से दूसरे जगह को चल के नहीं जा पाता, पर उसके अंदर जान है। कैसे? वो बढ़ सकता है, छोटे से बड़ा हो सकता है ना। और पेड़ से हम लोग ऑक्सीजन पाते हैं, तो वो भी एक सजीव है। और सजीव का उल्टा क्या है? निर्जीव। निर्जीव का मतलब है जिसके अंदर जान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये चौक, फॉर एग्जाम्पल ब्लैकबोर्ड, फॉर एग्जाम्पल आपका बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, रबर जिसको बोलते हो, तो वो है सारा निर्जीव चीज। निर्जीव चीज का मतलब है जिसके अंदर जान नहीं होती है, वो किसी सजीव इंसान के द्वारा काम उससे कराया जाता है। जैसे कि आप लोग जिस चेयर टेबल में बैठे हो वो है सजीव, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्रय, उसका ऑपोजिट है विक्रय। क्रय का मतलब क्या है? जो चीज आप खरीदते हो, पैसे दे के चीजें को खरीदना होता है, क्रय करना। और विक्रय का मतलब होता है बेचना। जैसे कि यह चौक है मेरे पास, अगर मैं किसी को पैसे दे के इसे दूसरे इंसान को दे दूं तो उसको कहते हैं विक्रय, मतलब मैंने इस चीज़ को बेच दिया, ठीक है। पर अगर ये चीज़ को मैं किसी से खरीद रही हूँ तो उसे बोलते हैं क्रय करना, खरीदना, ठीक है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल और क्या है? आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस, फ्रीडम होके रहना, आज़ाद होना, हर चीज़ आप अपने मुताबिक करते हैं, तो उसे बोला जाता है आज़ादी। मतलब कि बिना रोक टोक के कोई भी चीज़ करने को बोलते हैं आज़ादी। और आज़ादी का उल्टा है क्या? गुलामी। ठीक है, गुलामी का मतलब होता है आप किसी के अंडर में, किसी के दबाव में अगर कोई काम करते हैं तो उसे बोला जाता है गुलामी करना। मतलब कि वहाँ पे आपका कोई जोर नहीं चलता है, वहाँ पे आपको जो बोला जाता है आप वो काम करते हैं, तो उसे बोला जाता है गुलामी। तो यहाँ पे कुछ शब्द हो गया, जैसे कि दिन का रात, आकाश का पातल, आय का व्यय, एक कत का अनेकता, और इच्छा का अनिच्छा, सजीव का निर्जीव, क्रय का विक्रय, आज़ादी का गुलामी, और घृणा का प्रेम। तो इसे बोला जाता है क्या? विलोम शब्द, या फिर उल्टा अर्थ कहने वाला शब्द। तो समझ में आया सबको, विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी एक शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका विलोम शब्द किसे कहते हैं और उसका कुछ उदाहरण। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इस उदाहरण को 10 times 10 times अपने कॉपी में लिखेंगे, उसके साथ साथ विलोम शब्द किसे कहते हैं उसको भी लिखेंगे। समझ में आया सबको? देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पर्यायवाची शब्द, जो कि मैं दूसरे क्लास में आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगी, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।